माता पिता आदिवासियों का लोगों का संख्या हर दिन घट रहा है और ये मुसलमान घुसपैठियों का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये मुसलमान घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूँ, यहाँ में बीजेपी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा और हम लोग एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के हम ये देश से झारखंड से बाहर करूंगा, ये हम लोग का वादा है। वो दिन हम लोग ये थे संथाल में, सिद्धू कानू शहीद सिद्धू कानू का परिवार से हमारे गृह मंत्री जी मिले थे। शहीद सिद्धू कानू का परिवारजन गृह मंत्री जी को बोल रहा था कि ये सरकार हमारा कुछ भी देखभाल नहीं करते हैं। वो दिन में वो बात सुन के ही मेरा मन दुख से भरा पड़ा। ये झारखंड वीरों का भूमि है और अगर वीरों का परिवार का जेएमएम का सरकार में श्रद्धा नहीं होते हैं, ये प्रदेश कैसे चलेगा। आज झारखंड में आदिवासियों का सम्मान नहीं है, मूलवासियों का सम्मान नहीं है, झारखंड में खाली घुसपैठियों का सम्मान है और किसी का सम्मान नहीं है। आज झारखंड का युवा हेमंत सोरेन जी को प्रश्न कर रहा है कि हेमंत सोरेन जी आप बताए थे कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा, ये कहां दिया ये 5 लाख नौकरी, आप कितना को नौकरी दिया। फिर आपने बोला था अगर मैं नौकरी नहीं दे पाऊंगा तो आपको 5,000 से 1,000 रुपया मैं भत्ता दूंगा, कहां गया वो भत्ता, किसी को मिला है क्या यहां में भत्ता, किसी को मिला है क्या, 5 लाख नौकरी हो गया क्या। आज ना 5 लाख नौकरी हुआ है ना किसी को भत्ता मिला है। लोगों को बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल 22 रुपया में दूंगा, कहां गया ये वादा। लोगों को बोला था कि हर परिवार को मैं सालों में 72,000 रुपया दूंगा, कहां गया ये वादा। अभी बोल रहे हैं कि माया योजना, अरे आपको माया योजना देना ही था तो 5 साल में क्यों नहीं दिया। सुना उनका 1 महीना पहले ये आप माया योजना का ड्रामा मत करो, बीजेपी सरकार इससे 2 गुना ज्यादा बढ़िया माँ के लिए स्कीम लेके आ रहा है, बेटियों के लिए स्कीम लेके आ रहा है। आप खाली हमारा घोषणा पत्र का इंतजार कीजिए, हमारा घोषणा पत्र में मोदी जी का गारंटी रहेगा, हम बढ़िया बढ़िया स्कीम लेके आऊंगा, हम झारखंड को देश का पहला 5 स्टेट का जो सूची है उसमें हम लोग लेके जाएगा, ये हमारा वादा है। आज जो मैं यहाँ सभा में आ रहा था उसी समय मुझको खबर मिला कि हमारे जो उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू हो रहा है, इस सिलसिला में आज भी और एक उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू में हिस्सा लेने का बाद और एक नौजवान बेटा का देहांत हो गया है, अनु कुमार बेदिया जो रामगढ़ जिला से होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक 18 हमारे युवाओं का मृत्यु हो गया उत्पाद सिपाहियों का इंटरव्यू में भाग लेते हुए। मैंने देश का लगभग सभी प्रदेश देखा, छोटा मोटा एक प्रदेश का मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, बेटा भेजते हैं, माता पिता बेटा को भेजते हैं इंटरव्यू में नौकरी लेने के लिए, माता पिता अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा इंटरव्यू में पास होगा और घर में नौकरी लेके आएगा। लेकिन झारखंड ही ऐसा एक प्रदेश है माता पिताओं को वो लड़का नहीं मिलता है जो लड़का इंटरव्यू में गया था, उनका जगह में उनका डेड बॉडी मिलता है, उनका एक डेड बॉडी घर में आते हैं। इसलिए सरकार ने जो इंटरव्यू का क्रियाक्रम किया कोई व्यवस्था नहीं है, 10 किलोमीटर दौड़ो, पीने का कुछ नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री जी को
हेमंत सोरेन जी को बार बार बोला, मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, अगर ये बच्चा आपका बेटा होते थे, आपका बेटी होते थे तो आप क्या करते थे। आज तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी को, ये जो बार बार किसी का घर का बेटा उत्पात सिपाहियों को भर्ती होने का नाम में बार बार मर रहा है, मैं आपको निवेदन करता हूँ ये खेला आप बंद कीजिए। चुनाव आ रहा है, आपका सरकार ऐसे भी जाने वाला है, बीजेपी सरकार आएगा, हम बढ़िया से इंटरव्यू करेगा, कोई लड़का नहीं मरेगा, सबको नौकरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और सबको एक युवाओं को अच्छा झारखंड मिलेगा।